नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु राठौर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीटीवी हिंदुस्तान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी के विषय पर, और इस वीडियो में हम आमिर खान की तीसरी शादी से जुड़ी हुई कई सारी रोचक और तथ्यात्मक जानकारी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, जिनसे शायद आप अभी तक अपरिचित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना काटे अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी की खबर जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई थी। कुछ समय पहले ही आमिर खान ने अपनी पत्नी किरण राव से तलाक लिया था। उस दौरान दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अब हम पति पत्नी नहीं है, हम को पेरेंट्स के तौर पर एक दूसरे का परिवार होंगे। इसके बाद आमिर खान का नाम उनकी को एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ जोड़ा गया और फिर उनकी तीसरी शादी की खबर अचानक मीडिया में छा गई। दावा किया गया कि आमिर खान अप्रैल महीने में तीसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन अब इस रिपोर्ट को गलत बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आमिर खान की तीसरी शादी की रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आमिर खान के एक करीबी सूत्र ने बताया है कि उनकी तीसरी शादी की खबरें झूठी है, वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बता दें, सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा हो रही थी कि आमिर खान अपनी तीसरी शादी का ऐलान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीजिंग के बाद करेंगे। ये फिल्म अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी। इसी वजह से माना जा रहा है कि आमिर अगले साल अप्रैल में अपनी शादी की जानकारी फैंस को दे सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभिनेता अपनी फिल्म को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं। आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, लेकिन 2002 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद आमिर ने किरण राव से शादी की, लेकिन दोनों की शादी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। जब आमिर खान ने किरण राव से तलाक लिया, तब से ही अभिनेता का नाम अक्सर फातिमा सना शेख के साथ जोड़ा जाता है। फातिमा आमिर खान के साथ फिल्म दंगल और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आई थी। ऐसी अफवाह उड़ी थी कि आमिर खान और फातिमा सना शेख रिलेशन में हैं। हालांकि इन खबरों को अभिनेत्री ने गलत बताया है। फातिमा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ये काफ़ी अजीब था, मेरी माँ टीवी पर यह सब देखती थी। अगले दिन अखबार में मेरी फ़ोटो देखकर बताती थी, देखो तुम्हारी फ़ोटो आई है। हेडलाइन सुनने के लिए मैं उनसे कहती थी कि पढ़कर बताए क्या लिखा है। अपने बारे में वो बातें सुन मैं डिस्टर्ब हो जाती थी। फिर ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे अपनी बात सबके सामने रखनी चाहिए। फातिमा ने आगे कहा था, जब भी किसी पर कोई आरोप लगता है तो पहला रिएक्शन जवाब में आता है, लेकिन आप अग्रेसिव है तो आप हमला करेंगे, और अगर आप थोड़े विनम्र स्वभाव के हैं तो भी आप इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अब मेरा मानना है इस पर सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं। जिन्हें बातें बनानी है वो बातें बना कर ही रहेंगे, लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त करिए। आप आमिर खान की तीसरी शादी के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान।